बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ और आज के इस सेशन में हमने बात करनी है FPSC ने जो लेटेस्ट एडवर्टाइज किए हैं पोस्ट फॉर अगस्त 2020 और इसकी लास्ट डेट भी 24 अगस्त है जितनी भी पोस्ट हैं, लेकिन हम सारी पोस्टों पे इस दफा बात नहीं कर रहे कि जितनी एडवर्टाइज हैं। आप FPSC की वेबसाइट पर जाके डिटेल देख सकते हैं, कोई सिंगल पोस्ट है कोई 19 क्लियर की तो उसके लिए कामन नहीं है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि 16-17 ग्रेड की जॉब के लिए एप्लीकेंट होते हैं और उन्हीं को हम डिटेल में आज बात भी करेंगे, सिलेबस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस पे हम पोस्ट पे हम बात आज कर रहे हैं वो है अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर और ये BPS 16 की है, परमानेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जितनी भी परमानेंट नेचर की जॉब्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है तो उनका एक साल का प्रोबेशनरी पीरियड टाइम होता है, यानी कि एक साल आपका ख़त्म होगा तो उसके बाद आपकी जो है वो परमानेंट जो सब्सटेंशियल लेटर होता है उसके बाद आपकी परमानेंट। तो ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की जॉब है। आपको आइडिया होगा कि FBR मेन के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिवीजन भी है उनके, और इसमें आगे ब्रॉड हम करें तो वैल्यूएशन ऑफिसर की जो जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह कि अप्रेज करना वैल्यू करना, यानी कि किसी का भी कोई एसेट जो होता है वो पाकिस्तान के अंदर आता है या किसी को आप देखते हैं कि ये चीज़ की वैल्यूएशन क्या है तो उसको वैल्यू करते हैं कि किसी ने टैक्स शो किया हुआ है, लेट्स सपोज 1 करोड़ की चीज़ है तो उस पर 1 करोड़ की उसकी मालियत शो की है किसी एसेट की, तो वो होती नहीं है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है अपने एरिया का, हर एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ना कि वो हर एक जगह पे जिस जगह पे उसको डिटेल किया जाएगा उसको उसका पोस्ट ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाएगी और उसको पता होगा कि इस चीज़ की इतनी मालियत है या मार्केट प्राइस इतनी चल रही है तो इसकी इतनी मालियत होनी चाहिए, अंडर वैल्यू ना करें। अंडर वैल्यू कोई करेगा तो उस पर टैक्स की अमाउंट कम हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है रीइंस्टेट करती है वैल्यूएशन ऑफिसर को, ताकि वो एक्सपर्ट है जितनी भी किसी ने टैक्स रिटर्न जमा करवाई है उसको वैल्यू प्रॉपर कर सके। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया भी दे दिया। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सेकेंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ इकोनॉमिक्स, यानी कि जिसने BA किया हुआ है और इकोनॉमिक्स उसमें पढ़ा है तो वो होगा इकोनॉमिक्स के साथ, कॉमर्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ और इसके अलावा अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ यानी कि LLB अगर किसी ने किया है, फार्मेसी की है, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स और BSc इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलिटी। तो BSc वाले सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं उनकी कोई भी स्पेशलिटी हो, बाकी जो किसी ने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फार्मासिस्ट या LLB का बंदा है या कंप्यूटर साइंस BIT BBA वगैरह किया हुआ है, BBA तो नहीं BIT है, BCS है, तो इस तरीके से वो कंप्यूटर के ग्रेजुएट हो जाता है। अगर किसी ने BA किया उसमें अकाउंटिंग पढ़ी है या BCom किया अकाउंटिंग पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स किसी ने पढ़ी है या कॉमर्स यानी कि BCom BBA उनको कॉमर्स ग्रुप कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स किसी ने अगर MCom किया है BCom किया है और इकोनॉमिक्स उसमें ग्रेजुएशन उसने पढ़ी थी तो वो जो है वो काबिल हैं इस चीज़ के, एलिजिबल हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी अप टू दी लेवल ऑफ MS Word MS PowerPoint एंड MS Excel, तो ये लिटरेसी होनी चाहिए यानी कि आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने ये कोर्स किया हो इतने पीरियड का हो या किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से किया, बल्कि आपको पता होना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हम अपनी तैयारी में अगर किसी को नहीं भी पता कंप्यूटर के मुताबिक तो हम अपने जो प्रिपरेशन करवाएंगे उसमें आपको सारी नो करवा देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस उसकी साथ रखो दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा एज लिमिट है 20 से लेकर 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन है, यानी कि कोई भी एप्लीकेंट है तो वो 5 साल की रिलैक्सेशन अवेल कर सकता है, उसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं, यानी कि 28 प्लस 5 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो जितनी उसकी सर्विस है
कम अज कम उसकी 2 साल अगर परमानेंट सर्विस हो चुकी है तो 2 साल से लेके, यानी कि 1 साल अगर उसकी है तो 1 साल उसको रिलैक्सेशन हो जाएगी एडिशनल, और 2 साल है तो ज़्यादा, और मैक्सिमम मेरे ख्याल में 50 ईयर जो होती है रिलैक्सेशन वो आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी की 15 ईयर सर्विस हो चुकी है और वो चाहता है कि वो अपनी सर्विस की वजह से रिलैक्सेशन ले, तो 28 में 15 ऐड करेंगे तो 43 ईयर तक वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है टोटल, डोमिसाइल जो है वो पंजाब का जो लोग हैं वो उनके लिए 5 है, और उसमें से जो 5 में से ऊपर मेरिट पे 4 है और वो मेरिट कोटा 1 है। सिर्फ अर्बन की बात की जाए तो मिनोरिटीज नॉन मुस्लिम कोटा जो है 1 है, खैबर पख्तूनख्वा यानी कि जो सिंध के हैं बाकी नहीं कर सकते, मिनोरिटीज और नॉन मुस्लिम ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की मिनोरिटीज की नॉन मुस्लिम की 1 सीट है, एच पाटा जो पहले पाटा था उसकी वोमेन कोटा की 1 सीट है, बलूचिस्तान की 1 है, और इसमें मर्द खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोजिंग डेट जो है 24 अगस्त 2020 है, और आपको सिलेबस के बारे में बात बताएं तो वैल्यूएशन ऑफिसर का जो सिलेबस है वो इंग्लिश पार्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होता है, पाकिस्तान अफेयर बाकी इक्वल प्रपोर्शन, यानी कि जितने भी ये तीनों हिस्से हैं बाकी इंग्लिश के पार्ट को छोड़ के, यानी कि ये 20 मार्क्स का होगा, बाकी ये जितने भी पार्ट्स हैं जितने आपके 80 मार्क्स होंगे सब पे डिवाइड हो जाएंगे, हर एक हिस्से में जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर इस्लामिक स्टडी और एवरीडे साइंस, कंप्यूटर एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट एमएस एक्सेल, ये सारे सारे बेसिक मैथमेटिक्स ये सिलेबस के पार्ट्स होंगे। इसके अलावा बात करें तो आप जो इसके एप्लीकेंट हैं लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं वो हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ऑनलाइन हमारी क्लासेस होंगी वेबसाइट के थ्रू www.harvardacademy.com, और सेल नंबर ये है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स होगा ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में हम वेबसाइट पे अवेलेबल करेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी आईडी बनेंगी और वो अपने कोर्स को किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम में ऑनलाइन। तो ये बड़ा एक कन्वीनियंट सिस्टम है जो वुमेन है जो घर बैठे कहीं और नहीं जा सकती, जो रूरल एरिया में लोग रहने वाले हैं किसी अकेडमी में नहीं जा सकते, बड़े शहर में नहीं रहते और वहाँ पे अकेडमी अवेलेबल नहीं है, तो कोई डर अपॉर्चुनिटी आप अपने घर में बैठे अगर आपके पास इंटरनेट है स्मार्टफोन है या फिर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है तो आप घर बैठे क्लास ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी गारंटी है कि जो हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे अगर आप उसको तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे तो नो मैटर आप मेरिट में हैं।